दर्शन कर जाए हम भी तेरे गोपाल के, दर्शन कर जाए हम भी तेरे गोपाल के, दर्शन करा दे मैया तेरे नंदलाल के, दर्शन करा दे मैया तेरे नंदलाल के। दर्शन नहीं कराऊंगी, जो चाहे सो तू ले ले। गोपिया कहने लगी, बाबा मैंने कहा था ना, हमने बोला तो था आपको, अब आप जाओ। भोलेनाथ से बार बार सखिया मना कर रही है। भोलेनाथ कहने लगी, अरे मात यशोदा जुलम करे तू बाबा जी के संग में, बाबा जी के संग में, जिद कर ली है, अब तू ले तेरे लाला को संभाल। ठीक है, हम भी यहाँ से नहीं जाने वाले, हमने जिद कर ली है, और तू संतों का हट नहीं जानती कि हम भी हैं जिद के पक्के रखना संभाल के, हर धूणा तपेंगे दर पे आसन हम डाल के, दर्शन करा दे भैया तेरे गोपाल के। दर्शन कर जाए भैया तेरे गोपाल के, दर्शन करा दे भैया तेरे गोपाल के, दर्शन करा दे भैया तेरे।
अच्छा तो तू दर्शन नहीं कराएगी, ठीक है लो ये धोना लगा दिया। अब हम संत हैं और संत हट है हमारा। सखी कहने लगी बाबा हमारा भी त्रिया हट तेरे हट से कम नहीं है, संत हट से त्रिया हट भी कम नहीं है, हम भी आज तेरा धुनाई देखेंगे। एक दो सखी कहने लगी इस बाबा के ये झोड़ी झंडा को उठार बाहर फेंक दो। और फिर जैसे ही ये सखी झोड़ी झंडा भगवान के उठाने लगी, शंकर भगवान के, भगवान शंकर सोचने लगे अभी प्रभु की मेहर नहीं हुई है, प्रभु की कृपा नहीं हुई है, सोची कि ये जात बिगाड़ेगी मेरी, अपने आप ही चल दो। भगवान शंकर ने झूठा सा नाटक किया और वहां से अपना झोड़ी झंडा उठा करके झूठ मूठ में जाने लगे। और उधर प्रभु जान गए, द्वारकाधीश कन्हैया जान गए, और कन्हैया जैसे ही शंकर भगवान जाने लगे और कन्हैया जोर जोर से रोने लग गए। जब भगवान घर जोर जोर से रोए, शंकर भगवान जान गए कि हाँ प्रभु ने मेरी विनती सुन ली है। अब तो शंकर भगवान और करले हो गए। अब उधर तो कन्हैया को सखियां गोद में ले रही है, मैया गोद में ले रही है, दूध पिला रही है, लेकिन दूध नहीं पी रही है। और प्रेमियों सखियां भी खूब कोशिश कर रही, लेकिन कन्हैया जोर जोर से रो रहे हैं और भी ज्यादा पहले से। जय हो जय हो। तो कन्हैया रो रहे हैं और भगवान शंकर जब नहीं रोक पाए, मैया कहने लगी अरी सखियों कहीं वो महात्मा कुछ ऐसा कोई जान जुगाड़ा तो नहीं है, तुम जाओ उसको जल्दी बुला करके लाओ। गोपियां भक्ति भक्ति गई, बाबा रुकना रे बाबा रुकना रे। शंकर भगवान कहने लगे अब कई काम पड़ गए सखियों, जब को मैं खड़ो तुम्हारे द्वार पे तब तो तुमने मेरे झोड़ी झंडा तक बाहर फेंकने की कह दी, मैंने तो मुश्किल से मेरी जात बचाई है, नहीं तो तुम तो मेरी जात ही बिगाड़ रहे। अब तो कि बाबा रुक तो सही, बाबा रुक तो सही, भगवान मन ही मन में सोच रहे हैं कि अभी और भगने दो इनको। और भगवान शंकर पीछे मुड़ के ही नहीं देख रहे। आखिरकार एक दो सखी आगे जोर से भक्कर के भगवान शंकर के आगे ही आ गई। बाबा तेरे हाथ जोड़े, वो लाला रो रो कि मैं क्या करूं, तो लाला रो रो है तो दूध पिला दो कुछ खिला दो, तुम तो बहुत जान जुगाड़ी हो सखियो कि बाबा कुछ तू जानता हो तो। अच्छा अरे मैं क्या जानूं, मैं तो मिलने आयो। अच्छा तो प्रेमियो भगवान शंकर ने सोचा कब मुझे चलना चाहिए और भगवान के दर्शन करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा चलो सखियो, आगे आगे सखी पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ। जैसे ही आए भोलेनाथ और मैया कन्हैया को बाहर लेकर के आई, रोते रोते को शंकर भगवान ने भगवान कृष्ण को देखा और भगवान कृष्ण ने शंकर को देखा, देखते ही तो भगवान रोते हुए भी हंस गए हैं। और जैसे ही प्रभु जय हो, भगवान कृष्ण की जब मंद मंद हंसी देखी शंकर भगवान ने, प्रेमियों दो देवों का जब मिलन हुआ, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी है, जय हो धन्य है प्रभु, बाल स्वरूप के लिए भगवान शंकर को दर्शन कराए। भगवान शंकर जैसे ही दर्शन करके जाने लगे, ये गोपियां कहने लगी महाराज अरे बाबा तू कुछ और झाड़ झपट्टा देना चाहे तो दे जा, ये लाला हमको बाद में कहीं तंग ना करें, परेशान ना करें, कोई जंतर मंतर ताबीज भरे तो इनका और भर जाओ। आज देवता सोचने लगे जो व्यवस्था सारे संसार की त्रिलोकी का नाथ करता है, दुनिया का ताबीज तो त्रिलोकी का नाथ भर रहा है, और आज त्रिलोकी के नाथ के लिए कह रही है सखिया के इनका कोई ताबीज भर दो, कोई नजर गुजर के लिए। धन्य है प्रभु आप जो आपने ऐसी ऐसी लीला करी। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, उधर भगवान शिव तो दर्शन करके अपने कैलाश को चले गए और भगवान मैया यशोदा के आंगन में धीरे धीरे जब बड़े हुए, दो दिन पांच दिन आठ दिन के, और उसी समय नंद बाबा ने विचार कियो कि मेरे यहाँ पर लाला हो गयो है, अब मुझे कंस का जो प्रत्येक साल का जो टैक्स चुकाना होता था कर,
वो कर चुकाने के लिए चलना चाहिए। तो नंद बाबा दूध दही एकत्रित करके और कंस का टैक्स चुकाने के लिए मथुरापुरी को और चल दिए। जब मथुरापुरी को गए और प्रेमियों मथुरापुरी में जाकर के एक उपवन में जाकर के ठहर गए, वहां से कंस के यहाँ पर कंस टैक्स चुका करके फिर विश्राम करने लगे। कब यहाँ से मैं उधर वापिस गोकुल की ओर चलूंगा। उसी समय वसुदेव जी को जब पता लग गया, वसुदेव जी नंद बाबा से मिलने के लिए वहां पर आ गए। तो प्रेमियों वसुदेव जी जब मिलने के लिए आए, नंद बाबा दोनों मित्र मिले तो दोनों गले मिलकर के, और नंद बाबा बड़े दुखी हुए सोचने लगे और कहने लगे, वसुदेव जी मुझे पता है आप पर बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां आई है। दुष्ट कंस ने आपके छह छह पुत्रों को मार दिया, सातवें तो मैंने सुना था कि वो गर्भपात ही हो गया, गर्भ ही नष्ट हो गया, और आठवें तो आपके कोई कन्या हुई बताई। इस दुष्ट पापी कंस ने उस कन्या को भी, आपकी कन्या को भी मार दिया, मैंने ऐसे सुना है। वसुदेव जी के नेत्रों से आंसू की धार बह गई, कहने लगे, नंद राय जी ये सब मेरे कोई पूर्व जन्म के पापों का फल है। मेरे छह छह पुत्र मारे गए, सातवां गर्भ नष्ट हो गया, और जो आठवीं कन्या थी उसको भी इस पापी ने मार दिया। इतना कहकर के रोने लग गए, लेकिन ये सब अपना अपना भाग्य, क्योंकि प्रेमियों हर आदमी को भाग्य से मिलता है, भाग्य सबका अलग अलग है। एक बार भाग्य कैसे अलग अलग है, क्योंकि प्रेमियों किसी व्यक्ति को कर्म से मिलता है और किसी को भाग्य से मिलता है। हर दुनिया पैसा कमाना चाहती है और सब कोई पैसे वाला बनना चाहता है। कई बेचारे पूरी जिंदगी कमा कमा करके पूरी जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन पैसा एकत्रित नहीं होता है। और कईयों को थोड़ी सी उम्र में ही कुछ न कुछ ऐसा काम मिल जाता है जो खूब पैसा ही पैसा हो जाता है। तो किसी व्यक्ति को तो काम करने से मिलता है और किसी को बिना काम भी पैसा मिल जाता है। प्रेमियों एक बार दो व्यक्ति आपस में लड़ने लग गए, एक तो कहने लगा कि भाग्य बड़ा है और दूसरा कहने लगा कि कर्म बड़ा है। दोनों जब आपस में लड़ने लगे तो राजा ने दोनों को पकड़ा, क्यों झगड़ रहे हो? कि महाराज ये तो कहता है कर्म बड़ा है, मैं कहता हूं भाग्य बड़ा है। राजा ने मंत्रियों कहा कि इनको अंधेरी कोठरी में बंद कर दो, यहां पर कुछ भी दिखाई ना दे, अंधेरी कोठरी में बंद कर दो, हाथ से हाथ ना दिखाई दे। अंधेरी कोठरी में दोनों को बंद कर दिया। अब जो भाग्य के भरोसा था उसने सोचा कि अपने तो आराम से खुद सोन जो होगा सो सुबह देखा जाएगा, और जो कर्म पर था उसने क्या किया, अंधेरे में इधर उधर हाथ मारा, हाथ मारा तो उसको अंजे का अलमारी में माचिस मिल गई। उसने सोचा लो माचिस मिल गई, माचिस की तीली जलाई, उजाला हुआ कमरे में, अंधेरे कमरे में तो लड्डुओं का थाल रखा हुआ था। उसने सोचा वाह ये लड्डुओं का देखो कर्म करने से मिला ना। उसने सोचा कि ये भी रात को भूखा ही पड़ा रहेगा, इसको भी खिला दिया। उसको जगाया, उठ भैया तू भी खा ले लड्डू, लड्डू खिला दिए उसको। सुबह जैसे ही हुई राजा ने दोनों को बुलाया, कहा बताओ अब कर्म बढ़ाए कि भाग्य। कर्म करने वाला कहने लगा कि महाराज कर्म ही बड़ा है, कि क्यों आपने अंधेरी कोठरी में हम दोनों को बंद कर दिया, कि हाँ ये तो सो गया, मैंने कुछ कर्म किया इधर उधर, मैं हाथ मारा इधर उधर तो मुझे माचिस मिल गई, उजाला किया लड्डू मिल गया, अच्छा मैंने खाया इसको भी दे दिया। दूसरा व्यक्ति कहने लगा महाराज भाग्य बड़ा है, कि क्यों, कि देखो मैंने कुछ नहीं किया, इसने मुझे जगा के भी लड्डू खिलाए, मैंने कुछ नहीं किया और इसने मुझे जगा के भी लड्डू खिलाए। राजा ने कहा भैया ये यही बात है, किसी व्यक्ति को कर्म से मिलता है तो किसी को भाग्य से मिलता है। नौकरी के लिए
हर कोई प्रयास करता है, लेकिन प्रेमियों कई ऐसे विचारे होते हैं जो खूब इंटेलिजेंट भी होते हैं, अच्छे पढ़ने वाले भी होते हैं, लेकिन जब तक भाग्य साथ नहीं देता है नौकरी नहीं मिल पाती है। अच्छे अच्छे पढ़ने वाले दिग्गज रह जाते हैं और कई कम पढ़े लिखों को भी नौकरी मिल जाती है। ये उनका नसीब है, ये उनका भाग्य है, या यूं कहें पूर्व जन्म का कोई न कोई संस्कार है, उनका पुण्य था। तो किसी व्यक्ति को कर्म से मिलता है और किसी व्यक्ति को भाग्य से मिलता है, हर किसी का भाग्य नहीं चलता है। तो सुखदेव जी ने भी कहा है कि पत्रम नैव यदा, कि पत्रम नैव यदा करी रविकृपे, दोषो वसंतस्य किम् नौ लोकोपि लोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम्। धारा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किं दूषणम्। तत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितुं तन्मार्जितुं कैक्षम। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, बसंत का महीना जब आता है तो सब में नए नए पत्ते आ जाते हैं, आते हैं। बसंत के महीने में सब पेड़ों में नए नए पत्ते आ जाते हैं, लेकिन करीब के पेड़ में पत्ते नहीं आते हैं। अब बताओ उसमें बसंत का क्या दोष है? करीब का भाग्य ही ऐसा है, करीब में पत्ते नहीं आते हैं बसंत के महीने में भी। करीब का पेड़ देखा होगा आपने भी। और प्रेमियों दूसरा कहते हैं कि नौ लोकों के लोक थे यदि दिवा, सूर्य भगवान जब उदय होता है तो सारे संसार को दिखाई देता है, देता है सबको दिखाई देता है, लेकिन उल्लू को दिखाई नहीं देता है। तो ये उसका भाग्य है, सारे संसार को दिखाई देता है लेकिन उल्लू को दिखाई नहीं देता है। और धारा नैव पतन्ति चातक मुखे, बादल जब बरसते हैं बरसात होती है, लेकिन पपैया जो होता है पीहू पीहू करके ऊपर की मुंह करके और बादल को बुलाता है, मेघ को बुलाता है, लेकिन वो केवल बरसात की जो बूंद गिरती है उसी को पीता है, जमीन पर पड़े हुए पानी को नहीं पीता है। तो मेघ तो खूब बरसात करता है, लेकिन यदि उसके मुंह में बूंद नहीं गिरी तो बताओ बादल का क्या दोष है। इसलिए कहा है जिस व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको कोई मिटने वाला नहीं है। तो राजन नंद बाबा वसुदेव जी को कहने लगे कि भैया ये तो अपना अपना भाग्य है। नंद बाबा कहने लगे वसुदेव जी तुम्हारे पुत्र होने के बाद में मेरे यहां पर भी एक पुत्र का जन्म हुआ है, लेकिन प्रेमियों वसुदेव जी ने यह नहीं कहा कि वो पुत्र मेरा ही है, क्योंकि रात्रि में यशोदा के पास छुप करके सुला करके आए थे, अपने उस दर्द को अपने दिल में ही दबा लिया और भाव में या प्रेम में कह दिया। जैसे अपन कह देते हैं किसी को, मैं अपन पूछते हैं भैया ये बेटा आपका ही है क्या, कि महाराज मेरा क्या है ये तो आपका ही है। ऐसे ही वसुदेव जी ने, नंद बाबा ने जब वसुदेव जी को कहा कि मेरे भी एक पुत्र हुआ है, और नंद बाबा ने जब ऐसा कहा तो वसुदेव जी कहने लगे कि भैया मित्र आपका पुत्र मेरा भी तो पुत्र ही है, वो भी तो मेरा ही है, एक ही तो बात है। इतना कहा और प्रेमियों वसुदेव जी कहने लगे नंद राय जी यदि आपने कंस को टैक्स चुका दियो हो तो अब आप यहां से चल दो, कि क्यों कि ये कंस बड़ा पापी है, इसने कल ही यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया है और दैत्यों को कुछ आदेश दिया है, इसलिए आप जाओ। प्रेमियों इधर नंद बाबा तो चले गए और सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित इधर कंस ने क्या किया था, सभी दैत्यों को एकत्रित किया और कहा था हे दैत्यों ब्रज क्षेत्र में कहीं मेरा बेटी ने जन्म ले लिया है, इसलिए हे पूतना तुम उस गोकुल के ब्रिज में जाओ, दो दिन पांच दिन आठ दिन के जो भी बालक है उन सबको मार दो, पहचानो कौन सा मेरा काल है।
दिव्य रूप को देख लेना, पहचान जाओगी आप। और प्रेमियों, इधर तो पूतना गोकुल की तरफ जा रही है, और इधर प्रेमियों राजन सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित महाराज नंद बाबा वसुदेव जी से विदा होकर के और चल दिए। सोचने लगे कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। और इधर पूतना जो ही गोकुल की ओर प्रस्थान कर रही है, नजर घुमा रही है कि कंस का बैरी कहाँ हो सकता है। संजय भैया, तो प्रेमियों पूतना वहां गोकुल के चारों तरफ भ्रमण कर रही है और सोच रही है अब मुझे दैत्य रूप छुपा लेना चाहिए। तो दैत्य जो थी राक्षसी, वो रूप तो छुपा लिया और सुंदर एक सखी बनकर के, क्योंकि प्रेमियों धाराकुंड, बरसाना, चिक्सोली, छठीकला, रसोली, जसोली, ऊंचा गांव, इन गांवों से जो बधाई देने के लिए माता बहन आ रही थी, नंद राय जी के द्वार पर लाइन लग रही थी गोपियों की, ये पूतना भी उन गोपियों में मिल करके और नंद बाबा के घर में प्रवेश करने का विचार कर रही है और जा रही है पूतना। नंद राय जी के महल की ओर प्रस्थान करी, गोपियों के साथ जब इसने अंदर प्रवेश कर लिया, मैया यशोदा तो अपने सखियों के साथ में बातचीत में व्यस्त है, और उधर ये जैसे ही अंदर प्रवेश करी, मैया को देखा कि व्यस्त है। मैया तो आने वाली और जाने वाली सखियों से मिलने में और पालने में कन्हैया झूल रहे हैं। जैसे ही कन्हैया के पास में पहुंची और कन्हैया को देखा, जान गई कि यही कंस का काल है। कन्हैया को गोद में लिया और उठाया और प्रेमियों या आकाश मार्ग की ओर लेकर के जब जाने लगी, भगवान कृष्ण जान गए कि अच्छा तो पूतना तू आ गई। और जैसे ही पूतना को लेकर के जाने लगे, प्रभु ने अपने शरीर का भार बढ़ाया, वजन बढ़ाया, और आज भगवान भोलेनाथ को जब ये स्तन पान कराने के लिए जो स्तन पान कराने लगी, तो प्रभु ने आज भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया है। प्रभु ये पूतना अपने स्तन पर जहर लगा करके आई है। और प्रेमियों भगवान शंकर का जब ध्यान किया, निवेदन किया भगवान कृष्ण ने, प्रभु जहर का पान तो आप कर जाओ और दूध दूध का पान मैं कर जाता हूँ, क्योंकि आपकी तो आदत है, आपने तो पहले भी जहर पिया है। प्रभु मैं तो यहाँ पर गोकुल में ये सोच करके आया था कि यहाँ पर दूध ही मिलेगा, लेकिन सबसे पहले ही मुझे तो जहर मिल गया। प्रभु अब इस जहर का पान आप करिए और
भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया है भगवान कृष्ण ने, जैसे ही आंख बंद करी है, नेत्र बंद करके और भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर लिया। और प्रेमियों, जहर का पान जैसे प्रभु ने किया हो, और जैसे इस दूध को पीने लगी, इसके दूध के साथ में इसके प्राणों को खींचने लगे, तो पोतना कहने लगी, शाह मुंच मुंचा लम्मिति प्रभासिनी निसपीडया, माना अखिल जीव मरमाणी विभ्रत्या नेत्र चरणाम्भुजौ। जब इसने प्रभु ने जब इसके प्राणों को हरण करना चाहा, पूतना के प्राणों पर जब आ पड़ी, तो पूतना कहने लगी, मुंच मुंच अर्थात छोड़, अरे छोड़ मुझे छोड़। कन्हैया कहने लगे, अच्छा अब तो छोड़ छोड़ कह रही है, और पिलाए ना दूध। और प्रभु ने देखते देखते प्रेमियों पूतना के प्राणों को खींच लिया, और जैसे ही प्राणों को खींचा, ये निष्प्राण हुई और आकाश मार्ग से धड़ाम से पृथ्वी पर आकर के गिर पड़ी। जो ही पृथ्वी पे आकर के गिरी, जोरदार धमाका हुआ, चारों तरफ जब आवाज पहुंची कि ये किसकी आवाज है, किसकी आवाज है, भयभीत होकर के सखियों ने जाकर के बाहर देखा, तो कन्हैया पूतना के ऊपर बैठे बैठे ताली बजा रहे हैं। कन्हैया तो खेल रहे हैं, गोपियों ने देखा, अरे ये राक्षसी के ऊपर कन्हैया यहाँ कैसे, तुरंत कन्हैया को उठा करके लाई हैं। और प्रेमियों मैया से कह रही, मैया अरे तू तेरे घर के काम में इतनी व्यस्त हो रही है, तुझे पता ही नहीं है ये राक्षसी कब आ गई और कब कन्हैया, देखो कन्हैया की क्या स्थिति है, कहां से ये दुष्टा उठा करके ले गई होगी, कौन जाने कैसे क्या हुआ। मैया से जब डांटने लगी, उसी समय पर प्रेमियों नंदराय जी आ गए। नंदराय जी ने तो आकर के गोप वालों से कहा, भैयाओ मुझे तो पहले ही मथुरा में ही पता लग गया था, वसुदेव जी ने बता दिया था कि कोई ना कोई अनहोनी ना हो जाए, और ये दुष्टा यहाँ पर कंस की भेजी हुई आई है। इतना जब कहा, और प्रेमियों अब सखी मैया से कहने लगी, मैया इस लाला का ध्यान रखा कर, मिलना जुलना सखियों का सब होता रहेगा। प्रेमियों समय तो अपनी गति से चल रहा है, भगवान बालकृष्ण अपनी मधुर मधुर लीला मैया के आंगन में प्रदान कर रहे हैं। और प्रेमियों जब कन्हैया छोटे से बाल रूप है, मैया मन में विचार कर रही हैं कि निरुलाला कब घुटवन चले, कब बड़ा हो। मैया मन में कामना कर रही है, सोच रही है कि अभी लाला मेरो छोटो सो है, मैं कामना करूं मेरी छाएक लाला मेरी उंगली पकड़ के चले, मेरे साथ साथ चले। और प्रेमियों आरी कब मैया, क्योंकि हर पिता सोचता है कि बालक जल्दी से बड़ा हो, उसकी गोद से नीचे पापा पैया भी चले, और थोड़ा थोड़ा तोतरी भाषा में बोले भी, मैया बाबा, ऐसी कामना हर कोई करता है। तो मैया विचार कर रही है कि मेरे लाला कब तो ये पापा पैया चले वो। आरी कब मैया मैया बोले गोरी मेरो छोटो सोरी कन्हैया। लाइट बहुत परेशान कर रही है। मोबाइल एक्स्ट्रा दिन से मोबाइल कर, तो दिल पूछ लेते बड़े वाला दिन इसको। स्विच ऑफ कर दें।
कब मैया मैया बोले गो फिर छोटो तो मैया कब मैया मैया बोले गो फिर छोटो तो कन्हैया छोटो तो कन्हैया फिर मारो तो कन्हैया तुम छोटो एक दिन मैया ने कन्हैया को जब पाल ने सुलाया और मैया अपने घर के काम में व्यस्त थी
नंद बाबा भी अपने कार्य में व्यस्त है। गोप ग्वाल शव विचार कर रहे हैं कि लाला अपनी बाल लीलाओं का सुखद आनंद हमें प्रदान करें। प्रेमियों, कंस का भेजा हुआ, क्योंकि जब पूतना वापिस नहीं पहुंची, कंस विचार करने लगा कि क्या बात है, मैंने पूतना को भेजा लेकिन पूतना ने आकर कोई खबर नहीं दी, क्या बात है। प्रेमी उधर कंस ने फिर मीटिंग का आयोजन किया, फिर दैत्य तृणावर्त से कहा, तृणावर्त तुम जाओ उस गोकुल में और अपनी तबाही मचा दो, अंधकार लेकर के जाओ, तूफान लेकर के जाओ। प्रेमी तृणावर्त यहाँ से चला है और गोकुल में आंधी तूफान लेकर के जब गया, कन्हैया पालने में सोए हुए थे, बड़ा भारी विकट, जब तूफान आया मैया को इतना भी समय नहीं मिला कि आंगन में सुलाए हुए कृष्ण को लाकर के और इधर कमरे में सुला दें। और प्रेमियों, मैया खड़ी की खड़ी रह गई, हाथ से हाथ दिखाई नहीं दिया। और इधर तृणावर्त ने अपनी आगोश में कन्हैया को ले लिया और प्रेमियों लेकर के जब ये आकाश की ओर बढ़ा, ऊपर आकाश में लेकर के गया और द्वारकाधीश भगवान ने, सांवरे सरकार ने जो ही इस तृणावर्त को देखा और इसके शरीर को दबाना प्रारंभ किया, दबाते दबाते इसके कंठ तक पहुंच गए और इसका गला दबाया और गला दबाते ही तो इसको निष्प्राण किया और धराम से पृथ्वी पर आकर के गिर पड़े। प्रभु ने तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, एक दिन की बात, की गर्गो हो की गर्गो पुरो ही तो राजन यदू नाम सुमहात्मा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। एक बार की बात, गर्गाचार्य जी महाराज जो कि यादवों के कुल पुरोहित हैं, घूमते घूमते गोकुल में आए। नंद राय जी ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आपसे एक निवेदन करूं, मेरे यहाँ पर दो पुत्रों का जन्म है, एक मेरा है एक मेरे मित्र का है, लेकिन वो भी मेरा ही है क्योंकि गुप्त रूप से रह रहा है। रोहिणी का, वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गुप्त रूप से गोकुल में ही रह रही थी, उसका पुत्र है, एक मेरा पुत्र है, इन दोनों पुत्रों के आप नामकरण संस्कार कर दो, इनके नाम रखो। गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैं तो यादवों का कुल पुरोहित हूं। नंद बाबा कहने लगे, हे गुरुदेव ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु है, इसलिए मैं निवेदन करूं आप उनका नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि भैया नंद राय जी, यदि मैं इनका नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस को तो शंका हो जाएगी, कंस को तो अभी कभी कभी शंका होती है, विचार करता है, कहता है देवक्याम अष्टमो गर्भो नास्ति भवितुम अर्हति, देवकी के आठवीं संतान कन्या तो नहीं हो सकती, आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती, ये तो कोई ना कोई देवताओं की चाल है। ऐसी शंका कंस को जब हो रही है और यदि मैंने नाम रख दिया तो और भी ज्यादा शंका हो जाएगी, महाराज मैं कैसे रखूं। नंदराज कहने लगे, महाराज खिरक में चल चलो बाड़ी में, वहां गुप्त रूप से रख दो। और प्रेमियों, खिरक में ले गए हैं, यशोदा ये लेकर के गई है कृष्ण को और बाबा नंद बलराम जी को, जो रोहिणी का पुत्र, दोनों बालकों को लेकर के गए। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, गर्गाचार्य जी कहने लगे, नंदराज जी बड़े चालाक थे, उन्होंने क्या किया, पहले भगवान कृष्ण को
रोहिणी की गोद में बिठा लिया। वसुदेव जी की जो पत्नी रोहिणी है उनकी गोद में बिठा लिया, क्योंकि वसुदेव जी की पत्नी गुप्त रूप से यहां पर रह रही थी और उनका देखभाल कर रहे थे नंद बाबा जी। तो भगवान कृष्ण को रोहिणी की गर्भ रोहिणी की गोद में बिठा दिया पहले, और फिर और मैया यशोदा की गोद में बिठा दिया बलराम जी को, और खुद खाली बैठ गए। गर्गाचार्य जी तो जान गए कि मेरी ज्योतिष की परीक्षा लेना चाह रहे हैं। और प्रेमियों, गर्गाचार्य जी कहने लगे, आई एम ही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रुयदो गुणई आख्या सते रामयति बलाधिक्याम विदुहो। जो रोहिणी की गोद में बैठा हुआ है, जो आई आई जो मैया यशोदा की गोद में बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रेमी उल्टा जब बिठाया कि ये रोहिणी का पुत्र है, यशोदा की गोद में बैठा हुआ है जो तो रोहिणी का पुत्र है, इनका नाम राम है, लेकिन बलाधिक्याम इनमें बल अधिक होने के कारण इनको बलराम नाम से जाना जाएगा। और यह बालक जो रोहिणी की गोद में बैठा हुआ है, यह आसन्न वर्णास्त्रयो गृहण मनोरूपम युपो धनो शुक्लो रक्त तथा पीत है इधानी में कृष्ण ताम गत है। ये तो महाराज युग युग में शरीर धारण करता है, श्वेत रक्त पीत, और ये इनका नाम सांवला होने के कारण से इनको कृष्ण भी कहेंगे। और आपके यहाँ पर जन्म ले लियो तो नंदलाल भी कहेंगे, लेकिन इन्होंने कभी वसुदेव के यहाँ पर भी जन्म लिया है इसलिए इनको वासुदेव भी कहेंगे। अनन्य नाम होंगे इनके। और फिर वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने से वासुदेव हैं, युग युग में रूप धारण करने वाले हैं, नीलमणि के समान नीले हैं, इसलिए इनका नाम एक श्याम भी होगा। अच्छा, इन्होंने और इनके हे नंद राय जी, इनके सातवें स्थान पर सप्तम स्थान पर राहु है, और जिनके सप्तम स्थान पर राहु है इसलिए ऐसा बन रहा है योग, इनके कई विभाव होंगे। गर्गाचार्य जी इतना कहा कि महाराज ऐसा क्यों कि जिनके राहु सप्तम स्थान पर हो ऐसा ही योग बनता है। और प्रेमियों, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित प्रभु का नाम कर संस्कार करके गुप्त रूप से गर्गाचार्य जी को चल दिए हैं, और इधर उधर नंद बाबा और मैया यशोदा आपस में चर्चा करने लगे, कहने लगे महर लाला को ध्यान रखना, इधर गोकुल में जो गोपियां हैं कोई न कोई बहाना बनाकर के नंद के द्वार पर आ जाती और कन्हैया को खिलाने के बहाने कन्हैया से उनका अनुराग उनका प्रेम इतना रोज का नियम बन गया आकर के कन्हैया का दर्शन करें, उनकी छवि को निहारें और उन पर न्योछावर अपना तन मन धन न्योछावर करने लगी। दिन रात बिहारी जी का चिंतन करती, प्रभु की मोहनी मूर्ति की झांकी का दर्शन करती, ये गोपियां भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हम ऐसे नहीं चाहने वाले जो आज तुम्हें और कल चाहें। हे कन्हैया, हमारा और तुम्हारा जो रिश्ता है कोई आजकल का नहीं है, हम ऐसे नहीं है कि तुम्हें आज और कल ही चाहें, हम तुम्हें जन्मों जन्मों से प्रेम करते हैं,
सावरे सरकार कि हम ऐसे नहीं चाहने वाले जो आज तुम्हें और कल चाहे, फेंक दे अपनी आंख निकाल दो, जो काहू और सू नजर लगे। कन्हैया केवल हमारा अनुराग तुम पर है, हम तुमको चाहते हैं। लाख मिले तुमसे बढ़कर हम तुम ही को चाहें, तुम ही को रिझाएं, जब तक तन में प्राण रहे तब तक प्रेम का नाता निभाएं, तब तक प्रेम का नाता निभाएं। प्रेमियों धीरे धीरे सखियों का भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया, और ऐसा प्रेम क्योंकि प्रेमियों ये भी देवांगनाएं थी, देव कन्याएं थी पूर्व की, और ब्रज में आकर के इन्होंने जन्म लिया था, तो ये सभी भगवान से निवेदन कर रही, प्रभु आपको हम दिल दे बैठी हम, हमारा हृदय आप में लग चुका है, कि मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, हाय हाय तूने ये क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाकी बिहारी पिया, मेरे बाकी बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा दिया।
एक दिन की बात, कन्हैया आंगन में जब खेल रहे थे, बलराम जी दूर बैठे हुए हैं और कन्हैया ने खेलते खेलते मैया की वही आंगन में चुपके से मिट्टी उठाई और मुंह में रख ली। जैसे ही कन्हैया ने मुंह में मिट्टी रखी, दाऊ भैया देख रहे थे। दाऊ ने कही, बलराम जी ने, कन्हैया अरे अभी ऐसे लग रहा है तूने कुछ खाया है। कन्हैया कहने लगे, नहीं तो दाऊ। कन्हैया, झूठ बोल रहा है, तूने कुछ न कुछ खाया है। कि नहीं दाऊ, कुछ नहीं खाया। दाऊ जी महाराज जब पास में गए, बलराम जी महाराज जाकर के कन्हैया से कहा, कन्हैया झूठ मत बोले, तूने मिट्टी खाई है। कन्हैया कहने लगे, दाऊ अब खाली सो खाली, अब नहीं खाऊंगा, लेकिन अब तुम मैया से मत कहियो। बलराम जी कहने लगे कि भैया मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन कन्हैया ये मिट्टी बहुत बेकार है, बुरी है, मिट्टी नहीं खानी चाहिए। हमारे घर में कोई खाने पीने की चीज की कमी है, मिट्टी कोई खाने की चीज है, तूने क्यों खाई। कि कन्हैया कहने लगे कि दाऊ अब नहीं खाऊंगा ना, लेकिन तू कहेगा नहीं। इतनी देर में गोप ग्वाल और आ गए, आपस में वो बातें बढ़ गई। गोप ग्वाल कहने लगे, भैया क्या बात हो रही है। बलराम जी कहने लगे, कुछ नहीं भैया। गोप ग्वालों ने भी वो बात सुन ली, टोल का टोल ही। कन्हैया जब अंदर जाने लगे तो गोप ग्वाल सभी कन्हैया के पीछे पीछे चल दिए। मैया के पास जब पहुंचे तो मैया ने कही, ललाओ आज जल्दी खेल के आ गए तो क्या बात। कि हाँ मैया आ गई। अच्छा, बलराम जी कहने लगे, मैया कन्हैया ने आज माटी नहीं खाई, कन्हैया ने मिट्टी नहीं खाई आज। मैया सोचने लगी, ये कौन सी बात है, क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई है। कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, तू ये दाऊ कह रहा है। दाऊ जी कहने लगे, मैया तूने ध्यान से सुनाई नहीं मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कन्हैया ने मिट्टी नहीं खाई, तो ये बात ही क्यों कही। मिट्टी नहीं खाई इसका मतलब जरूर तुम्हारी कोई चाल है, तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों रे श्री रामा, क्यों रे मधुमंगल, तू बता। कन्हैया ने मिट्टी खाई तो सबने गर्दन झुका ली, क्योंकि खाते हुए नहीं देखा लेकिन चर्चा सुन ली थी। सबने गर्दन झुका ली, क्यों रे बलराम सच बता, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। बलराम जी कहने लगे, मैया मैंने आते ही कह दिया कन्हैया ने मिट्टी नहीं खाई। क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने भी मना कर दिया।
आखिरकार मैया ने जब डांट पिलाई, जल्दी मुंह खोल और प्रेमियों कन्हैया पहले तो कहते रहे मैया नहीं खाई नहीं खाई, अब तुझे ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा है तो ले मुंह खोलता हूँ देख ले। कन्हैया ने जैसे ही मुंह खोला और प्रेमियों भगवान ने मुंह में अपनी सर्व माया दिखा दी, क्या सूर्य क्या चंद्रमा क्या पृथ्वी क्या तारे क्या गंधर्व क्या यक्ष सब देवी देवताओं के सबके वहां पर मुंह में ही जब दर्शन हो गए। आखिरकार मैया ने आंख बंद कर ली, जय हो लाला तेरी लीला को तू ही जाने। कन्हैया कहने लगे मैया देख ली मिट्टी, अरे लाला मिट्टी नहीं जाने क्या क्या देख लिया, तेरी लीला को लाला तू ही जाने। बलराम जी कहने लगे वाह खूब बनाया। कन्हैया कहने लगे बलदाऊ भैया तुम्हारी भी आदत बहुत गंदी है, ठीक है तू तेरी आदत से नहीं मानेगा और प्रेमी जिसका जो स्वभाव बन जाता है वो एक बार पड़ जाता है वो छूटता नहीं है। कैसी एक श्रीमान जी अपने ससुराल जा रहे थे, ससुराल जब जा रहे थे तो एक मित्र मिल गया रास्ते में, भैया कहाँ जा रहा है कि ससुराल जा रहा हूँ, कि यार तेरा ससुराल कहाँ है कि बस यही 10-5 किलोमीटर है, क्यों हमें भी ले चल यार। कि चल कहले कि तूने तो ऐसे नए नए कपड़े पहन रखे, हम तो ऐसे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। जय श्री राधे, हमने तो पुराने कपड़े पहन रखे हैं। क्यों अच्छा तो ऐसे कर मित्र, मैं तो एक ड्रेस और एक्स्ट्रा लेके आया हूँ, मेरे कपड़े पहन ले। तो प्रेमी और मित्र को कपड़े दे दिए, मित्र ने नए कपड़े पहन लिए और दोनों ससुराल में चले गए। यह है आदत की बात या स्वभाव की बात, स्वभाव नहीं बदलता है। तो प्रेमियों जैसे ही ससुराल में गए जवाई को आवादर किया, ससुर साहब मिल गए, ये कौन है जवाई राजा।